हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आप अपने आईफोन में जो नोट्स क्रिएट करते हैं उसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर के साथ कैसे शेयर कर सकते हैं। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखते रहिए। आप देख रहे हैं टैकी प्रशांत, तो चलिए देखते हैं। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आप अपने आईफोन में नोट्स एप्लीकेशन होती है उसमें से कुछ नोट अपने फ्रेंड्स या फैमिली मेम्बर के साथ कैसे शेयर कर सकते हैं। तो सबसे पहले ज़रूर है कि आप अपने आईक्लाउड सेटिंग्स में से नोट एप्लीकेशन को ऑन कर दें, तो आप जो भी नोट्स क्रिएट कर रहे हैं वो आईक्लाउड में बैकअप होती रहेगी। तो उसके लिए आपको जाना है सेटिंग्स में। जैसे ही सेटिंग्स में जाएंगे, यहाँ पर देखेंगे कि आईक्लाउड का एक ऑप्शन है, आपको उसमें जाना है। तो आप जैसे ही उसमें जाएंगे तो यहाँ पर आपको जाना है आई क्लाउड में। आई क्लाउड में जाएंगे तो जो जो एप्लीकेशन आपने अलाउ की है आई क्लाउड के लिए, आपको यहाँ पे देखना है कि नोट्स के लिए वो ऑप्शन आई क्लाउड सपोर्ट ऑन होना चाहिए। तो अगर ये सपोर्ट ऑन होगा तो आपके आईफोन के अंदर जो भी नोट्स आप क्रिएट कर रहे हैं वो आई क्लाउड के साथ सिंक्रोनाइज होती रहेगी, और वो नोट आप अपने फ्रेंड के साथ, फैमिली मेम्बर के साथ, जिसके पास भी आईफोन आईपैड है उसके साथ शेयर कर पाएंगे। तो अब हम देखते हैं कि कैसे शेयर करना है। तो जो भी नोट आप अपने फैमिली मेम्बर के साथ शेयर करना चाहें वो नोट आपको चूज़ करनी है। फॉर एग्जांपल ये नोट मुझे चूज़ करनी है। तो यहाँ पे आप एक ऑप्शन देख रहे हैं कि ऐड पीपल, तो आपको वो टैप करना है। जैसे आप यहाँ पे टैप करेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा ऐड पीपल। आप यहाँ से जितने भी पर्सन को आप इन्वाइट करना चाहते हैं या फिर नोट शेयर करना चाहते हैं उस पर्सन को वन बाय वन आपको यहाँ पर ऐड करना है। तो यहाँ आप यहाँ पर देखेंगे कि ऑप्शन है कि आप इनविटेशन कैसे भेजना चाहते हैं, वाया मैसेजेस, व्हाट्सअप, ईमेल, ट्विटर, फेसबुक वगैरह। तो अभी मैं यहाँ पे प्रीफर कर रहा हूँ कि वाया मैसेजेस। तो वाया मैसेजेस आप इनविटेशन भेज सकते हैं। तो यहाँ पे एक इनविटेशन रेडी हो गया, और बाद में यहाँ से आपको उस पर्सन का जो एप्पल आईडी के लिए ईमेल यूज़ किया हुआ है वो ईमेल आपको यहाँ पे एंटर करना है। तो जैसे आप देखेंगे कि मैंने वो ईमेल आईडी यहाँ पे एंटर कर दिया है उस पर्सन का कॉन्टेक्ट, और यहाँ पे जो नई नोट क्रिएट हुई है वो नोट आपको यहाँ पे मिल जाएगी, और बाद में सिंपली मुझे सेंड करना है। जैसे मैं यहाँ से वो सेंड कर दूँगा तो ये नोट्स जो है उसका इनविटेशन उस पर्सन को मिल जाएगा। तो आप देखेंगे कि मेरे आईपैड में मुझे उसका नोटिफिकेशन मिल गया है। तो यहाँ पे देखेंगे कि एक नोटिफिकेशन मिल गया है, वो न्यू नोट शेयर फ्रॉम नोट्स। तो मुझे सिंपली क्या करना है कि अपने मैसेजेस एप्लीकेशन में जाना है, या तो फिर डायरेक्ट इन्विटेशन में से भी जा सकता हूँ। मैसेजेस एप्लीकेशन में जैसे ही मैं जाऊँगा तो यहाँ पर देखेंगे कि मुझे एक लेटेस्ट नोट का इनविटेशन मिल गया, तो मुझे उसे सिंपली टैप करना है। जैसे मैं यहाँ पे टैप करूँगा तो मुझे एक ऑप्शन मिल जाएगा यहाँ पे रिट्राइव, यानी जो क्लाउड में से वो नोट रिट्राइव होकर मेरी नोट्स एप्लीकेशन में आ जाएगी। तो यहाँ पे ऑप्शन है ओपन न्यू नोट इन नोट्स, यानी नोट्स एप्लीकेशन के अंदर वो नोट्स ओपन करनी है कि नहीं, तो ओपन। तो ये मेरे दूसरा जो एप्पल आईडी का अकाउंट है उसमें वो नोट्स आ जाएगी। सिंक्रोनाइज होने में शायद कभी टाइम लग सकता है, अभी आप देखेंगे कि सिंक्रोनाइज हो रहा है। तो जैसे ही सिंक्रोनाइज हो जाएगा तो वो पर्टिकुलर नोट्स यहाँ पे मिल जाएगी, और यहाँ पे आप देखेंगे कि ये आईपैड के अंदर स्टोर नोट है और ये आई क्लाउड के साथ सिंक्रोनाइज है। तो यहाँ पर वो नोट आ गई, और यहाँ से मैं वो नोट सिंपली जो भी कुछ एडिट वगैरह करना चाहूँ वो एडिट कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ से नोट एडिट कर सकता हूँ, और जैसे ही मैं नोट एडिट करूँगा तो तुरंत ही आई क्लाउड के अंदर वो सिंक्रोनाइज हो जाएगा और दूसरे डिवाइस के अंदर वो चेंजेस मिल जाएगा। सिंक्रोनाइज में थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन वो चेंजेस मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ से मैं ये जैसे ड्राइंग है तो उसमें कुछ टेक्स्ट वगैरह ऐड करने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे टेक्स्ट है तो यहाँ पर हेलो, तो यहाँ पर मैंने वो टेक्स्ट ऐड कर दिया हेलो। तो ये नोट्स के अंदर मैंने कुछ अपडेट्स कर दिए। तो अगर मैं इंटरनेट के साथ कनेक्टेड हूँ उस टाइम पे और तुरंत ही अगर वो सिंक्रोनाइज हो जाता है तो मैं अगर अपने दूसरे डिवाइस में देख रहा हूँ कि वहाँ पे कुछ मुझे चेंजेस मिले हैं कि नहीं, तो मुझे सिंपली वहाँ से बाहर जाना है और वेट करना है कि यहाँ पे कुछ चेंजेस आए। ओके, शायद चेंजेस मिल गए। यहाँ पे अपने आईफोन में मैं देखूँगा तो ऊपर मुझे हेलो सेंटेंस मिल गया। यहाँ से अगर कुछ मैं एडिटिंग करता हूँ, जैसे ओके ऐड किया और बाद में डन प्रेस कर दिया, डन प्रेस करने के बाद फिर से बाहर जाता हूँ, और यहाँ मैं अपने दूसरे डिवाइस में आके देखता हूँ, फिर से वही नोट में जा रहा हूँ। तो यहाँ पे भी अगर सिंक्रोनाइजेशन फास्ट होगा आप देखेंगे यहाँ पे इमीडिएटली मुझे मिल गया। यानी इंटरनेट स्पीड और सर्वर पे डिपेंड रहता है कि कितना फास्ट वो आपको रिस्पॉन्स मिलता है। तो आपने देखा कि आप अपनी नोट्स
फ्रेंड्स या फैमिली मेम्बर के साथ शेयर कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए उसके पास भी आईफोन और आईपैड होना चाहिए। और दूसरी एक टेक्निक, जैसे अभी आपने नोट शेयर तो कर दी, अब देखेंगे कि जो भी आप नोट शेयर करेंगे वहाँ पे आपको ये आइकॉन मिल जाएगा। तो अब आप हम देखते हैं कि ये नोट अगर आपको शेयरिंग स्टॉप करना है तो क्या करना है। तो सिंपली आपको नोट्स के अंदर जाना है और यहाँ से टैप करना है जो लिस्टेड पीपल एल्बम है। यहाँ पे देखेंगे कि एक जो पर्सन है वो ओनर जो मैंने नोट क्रिएट की और दूसरे पर्सन को मैंने इनवाइट किया है। तो सिंपली मुझे इसके अंदर जाना है, या तो फिर एक वन बाय वन पीपल भी रिमूव करने की ज़रूरत नहीं। अगर किसी इंडिविजुअल पर्सन को आप परमिशन रिमूव करना चाहते हैं तो आप उसके अंदर जाइए। तो जैसे ही अंदर जाएंगे यहाँ पे एक ऑप्शन है रिमूव एक्सेस, मुझे उसे सिंपली टैप कर देना है। अगर मैं इंडिविजुअल पर्सन को एक्सेस रिमूव नहीं करना चाहता और मुझे सिंपली शेयरिंग स्टॉप कर देना है, यानी ऑल पीपल जिसको मैंने अलाउ किया वो सबको स्टॉप कर देना है, तो सिंपली मुझे यहाँ से स्टॉप शेयरिंग करना है। जैसे मैं यहाँ से स्टॉप शेयरिंग कर दिया, यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा इफ़ यू स्टॉप शेयरिंग अदर पीपल विल नो लॉन्गर हैव एक्सेस टू दिस नोट। यहाँ से मुझे ओके प्रेस करना है। जैसे मैंने ओके प्रेस कर दिया, चेक करने की कोशिश कर रहा हूँ कि वहाँ सिंक्रोनाइज होने में कितना टाइमिंग लगता है। ओके, तो यहाँ पे देखेंगे कि इमीजिएटली रिस्पॉन्स मिल गया और यहाँ से वो नोट रिमूव हो गई। तो जैसे आपने देखा कि आपके कोई फ्रेंड्स या फैमिली मेम्बर के पास अगर कोई एप्पल का डिवाइस है तो आप उसके साथ अपने आईफोन में से नोट शेयर कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो उसे लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी सब्सक्राइब कर दीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल का आइकॉन आता है उसे भी टैप कर दीजिए, तो आपका जो डिवाइस है वो पुश नोटिफिकेशन के लिए रजिस्टर हो जाएगा। और जैसे ही मैं अपने चैनल पे नया वीडियो अपलोड करूँगा तो तुरंत ही आपको अपने आईफोन या फिर आईपैड के अंदर उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप मेरा नया वीडियो देख पाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।